और फाइनल इंडिया खेलेगा और पाकिस्तान खेलेगा। और विराट कोहली नो डाउट फैंटास्टिक प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। जीतेगा भाई, जीतेगा। एक दो में असफलता मिलती है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं कि वो असफल हो जाएंगे। लोग कितना भी क्रिटिसाइज करे लेकिन उससे मैटर नहीं करता। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान में टीवी भी फूटेगा, कैमरा भी फूटेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। भारत न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप महामुकाबला आज दुबई में होना है। ये मैच इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो राजधानी रांची शहर में खेला जाएगा, JSS स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर भारत की बात करूँ तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अगर पिछले मैच की बात करूँ तो जो भारत और पाकिस्तान का खेला गया उसमें भी भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। और क्योंकि ये इस मैच की कप्तानी विराट कोहली कर रहे हैं तो उनके लिए भी इस बार ये अग्नि परीक्षा होनी है और ये मैच जो है वो करो या और मरो की स्थिति वाला मैच बन चुका है। हालांकि कई खिलाड़ी हैं रांची में, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये भी अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत अच्छा खेल सकता है, क्या कुछ कमी रह जा रही है, हम इस पर बात करेंगे। हालांकि आपको फिर से बता दूं कि भारत न्यूजीलैंड का आज महामुकाबला है और ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनसे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड की अगर बात करूं मैच की, तो अगर इतिहास पास्ट की बात करूं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है भारत का, तो इस बार कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, भारत इस बार बिल्कुल जीतेगा है ना, क्योंकि हम लोग भारत के सपोर्ट में हैं। हाँ, उनका प्रदर्शन पिछला न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल ये अच्छा नहीं रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इस बार जो है ना बिल्कुल जीतेगा अपना भारत। भारत इस बार जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारत और पाकिस्तान का, जो कि पिछले मैच में हमने देखा कि 10 विकेट से भारत बुरी तरह से हारा, तो कैसे देख रहे हैं, क्या इस बार कुछ कमी लग रही है, क्या कुछ आप सुझाव, क्या कुछ देख पा रहे हैं मैच में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैम, हमारे रांची से धोनी साहब मेंटर बने हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छा ही वो ये करेंगे है ना, हमारे खिलाड़ियों को अच्छा ही मेंटरिंग करेंगे। और बात रही कोहली की, जो हमारे कप्तानी कर रहे हैं, बेशक वो अच्छे कप्तान है, एक दो में असफलता मिलती है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं कि वो असफल हो जाएंगे। लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। और हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट लेवल के बॉलर भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनका पास्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, कभी कभी एक दो मैच में ख़राब हो जाता है तो उससे ये नहीं आका जा सकता है कि आज का मैच खराब ही रहेगा, आज बिल्कुल अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग का शुभकामनाएँ हैं भारत टीम के साथ। क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे, आज का जो मैच होना है भारत और न्यूजीलैंड का, कैसे देख पा भारत को कैसे देख? इंडियन टीम की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि इंडियन टीम जब भी लूज करती है किसी भी मैच को तो वो कमबैक जो करती है वो लाइक अ चैम्पियन करते हैं। तो इंडियन टीम का सबसे बड़ा खासियत यही है, वो जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बैक किया है ना, जहाँ पे वो थोड़ा लैक किए, जैसे कि पाकिस्तान से, जैसे आप बता रहे हो कि इससे पहले पाकिस्तान से मैच था तो 10 विकेट से जीता पाकिस्तान, और इंडिया का जब आप देख रहे हो हिस्ट्री में तो 11-0 था। 11-0 होने का ये मतलब है कि प्रेशर पाकिस्तान पे कई गुना ज़्यादा था इंडियन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पाकिस्तान को वो मैच जीतना था। और ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी बोला जाता है। पाकिस्तान के मैच के दौरान क्या कमी रहा, कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी, वो कमियों को ये काफ़ी शायद 5 या 6 दिन का बैक भी बीच में है ना, गैप भी मिला, इंडिया का ये दूसरा मैच है और देखिए और दूसरे टीम काफ़ी मैचेज खेल चुके हैं, तो इन दिनों वो काफ़ी कुछ कर चुके होंगे एज ए मेंटर। और विराट कोहली नो डाउट फैंटास्टिक प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। एज अ व्यूवर्स ये भी देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, इट जस्ट अ गेम और जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। इंडिया जो पाकिस्तान से हारा है उसका बदला तो लेगा, और फाइनल इंडिया खेलेगा और पाकिस्तान खेलेगा और करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, समझे? तो पाकिस्तान के जो समर्थक यहाँ पे इंडिया में भी जो है उसको भी करारा जवाब मिलेगा और पाकिस्तान को तो मिलेगा ही। पाकिस्तान में टीवी भी फूटेगा, कैमरा भी फूटेगा और क्या क्या फूटेगा वहाँ जो देखने वाले देखेंगे। अच्छा, पहले तो ये बताइए, 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड का मैच रांची में ही होना है, जी आप देखने जा रहे हैं वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे, हम लोग इंडिया टीम को सपोर्ट करेंगे। तो आज दुबई में जो मैच होना है भारत और न्यूजीलैंड का, क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस भारत
का रहा है। पिछली दफ़ा की बात करूँ जो पिछला मैच था इंडिया पाकिस्तान, उसमें भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और अगर न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की भी बात करूँ तो न्यूजीलैंड के साथ भी भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। पास्ट की बात करूँ तो क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी, क्या कुछ कहेंगे? मैम वैसे तो पाकिस्तान का भी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं था, तो रिकॉर्ड बना है तो टूटेगा। जैसे पाकिस्तान से हमारी टीम हार गई तो ऐसे ही हम लोग भी इंडिया न्यूजीलैंड को हराएंगे इस मैच में, हमारी टीम हराएगी और हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, तो जो इंडियंस हैं वो जीत को लेकर पूरी तरह से स्वस्थ नज़र आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि भले ही ये गेम है लेकिन जो इंडिया है वो बेहतर खेलेगी और इस पर पूरा भरोसा है। हालांकि कई और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आज भारत और न्यूजीलैंड का मैच होना है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार का, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? देखिए क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट अनुमानित से ही नहीं होता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ठीक है, जहाँ तक बात रही इंडिया अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाई है, बट उम्मीद उनसे है कि वो कर पाएंगे। ठीक है, अब बाकी बात क्रिकेट है, मैं तो कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकता हूँ। बाकी बात जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आई सपोर्ट इंडिया ऑलवेज एवरी टाइम, थैंक यू। तो इंडियंस जो हैं वो ऑब्वियसली कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हालांकि भारत न्यूजीलैंड का जो मैच आज दुबई में होना है 7:30 बजे, ये मैच काफ़ी भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होनी है। इसके साथ ही विराट कोहली जो कि कप्तानी कर रहे हैं उनके लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। आज महामुकाबला होना है भारत और न्यूजीलैंड का, और इसके बाद ये मैच इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो मैच खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड का वो इसी धरती पर खेला जाएगा, रांची शहर में खेला जाएगा, जैसे स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर तैयारियाँ भी जोरों पर है।